प्यार प्यार नहीं हुआ, प्यार नहीं हुआ, हुआ तुम्हारा कोई सीए का एग्जाम हो गया ठीक है, दस साल हो गए क्लियर ही नहीं कर पा रहे हाँ। अगर ये आपको ही नहीं कर पा रहे में एक्टिंग करवाने के लिए प्यार नहीं हुआ सीए का एग्जाम हो गया दस थीक साल थीक हो गए क्लियर ही नहीं कर पा रहे गुस्से में भी मोहब्बत है ये ये इंसान आप कह रहे हैं गुस्से वाला और एटीट्यूड ये आप देखें ऐसे लग रहा था फूल पेंक रहे हैं <laughs> माशाल्लाह माशाल्लाह चले एक और आप जो भी आप मुझे बोलना आप जो भी बोलते हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं ये मुफ्त का ज्ञान है क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास अब आप ना ये फुल या तो हंसते या उदास इनमें से एक सेलेक्ट कर ले मेरी मर्जी है ना मैं जैसे मर्जी बोलूं जैसे मर्जी बोले अपने करेक्टर कोई अच्छा करेक्टर चूज कर ये आप जो भी बोलते हैं ये आप इसके पैसे देंगे या मुफ्त का ज्ञान है क्योंकि चिलर तो नहीं है मेरे। मेथेड, एक्टर क्या, क्या बात? मैं वैसे किया था ना इसमें आपका क्या कमेंट है, कि फवाद ने एक है की मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जिनके अपने प्रोडक्शन हाउस है जो भी है अपनी इंडस्ट्री से कुछ लोग हैं मैं जानता हूँ बड़े अच्छे लोग हैं अदनान सदीकी

और आई थिंक दिस इज़ वॉट द गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन और आप अगर अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो कोशिश करें साथ किसी और के बच्चे को भी पढ़ाएं तो मैं ज़्यादा इस पे बात इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये इनके दिल के करीब एक टॉपिक है मेरे भी है लेकिन अहमद <coughs> भाई इससे हम no. करेंगे सो एजुकेशन इन ए यार ये है कि फॉर एग्जांपल एक तो कभी भी बात जो भी सोशल मीडिया पे देखना मीडिया पे देखना ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो सो दैट्स फॉर माई यूथ दैट कैन बी मैनेज नंबर वन नंबर टू ये है कि एजुकेशन आपकी लर्निंग ख़त्म ही नहीं हो सकती है आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं मरने से पहले तक उनसे अगर बात करेंगे आप वो आपको यही करेंगे कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ अभी भी सीख रहा हूँ इतनी अहमियत है फॉर एग्जांपल, अभी मैं पीछे एक एक टीचर है रिलीजस टीचर है, मजहबी स्कॉलर तो नहीं मैं कहूँगा अली मिर्जा मतलब दीन था मैं गया अपनी लर्निंग के लिए उनद की बात करते हैं हर बात वो अपनी हदीस से करते हैं कुछ लोगों ने उसका बहुत बुरा मनाया ये वो तो मैं तो सबसे ही कृपा के पास ही जाता हूँ उसके बाद मेरे बहुत अच्छे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि देवबंदी में हैं जहाँ पे मैंने टाइम में सैरोज़े पे उनके साथ गया टाइम गुजारा वो साहबा की बड़ी अच्छी बात करते हैं अल्लाह के यकीन की बात करते हैं और बड़ी पॉजिटिव तब्लीग देते हैं तो सारे ही जो भी हैं जितने भी हैं मैं सबसे ही सीखता हूँ और जो बात मुझे अच्छी लगती है कुरान के हिसाब से लगती है मैं सबसे ले लेता हूँ तो कोई एक नहीं है तो ये फतवे ना लगा दिया करें किसी पे के कि वो वो यहाँ चला गया गुमराह हो गया कोई वहाँ नहीं लर्निंग अलाउ है कर लेने दीजिए और फिर हमें डिसाइड कर लेने दीजिए कि हमें क्या पसंद है और क्या बात है जी तो थैंक यू थैंक यू अहमद भाई उम्मीद करता हूँ आपने आज का शो इंजॉय किया होगा मज़े मज़े की बातें हुई बड़ा कुछ सीखने को मिला इनके बारे में हमने जाना तो आप हंसते खेलते रहें क्योंकि आप हंस नहीं रहना तो फिर मेरा दिल दुखी होता है बाकी आपसे मिलता हूँ हद कर दी के अगले एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज में याद रखना